अधिवक्ताओं को तनाव से मुक्ति दिलाने और उनकी मानसिक शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से सोलन जिला बार एसोसिएशन द्वारा जिला न्यायालय परिसर में 6 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के समापन मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता मानसिंह चंदेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। प्रतियोगिता में युवा अधिवक्ता विक्रांत सिंह ठाकुर ने फाइनल मुकाबला जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। सोलन जिला न्यायालय परिसर में 6 दिन तक चली बार शतरंज प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला अधिवक्ता गोपाल सिंह चंदेल और अधिवक्ता विक्रांत सिंह ठाकुर के बीच खेला गया, जिसमें करीब 2 घंटों की जद्दोजहद के पश्चात पॉइंट के आधार पर युवा अधिवक्ता विक्रांत सिंह ठाकुर ने फाइनल मुकाबला जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस तरह पहले स्थान पर अधिवक्ता विक्रांत सिंह ठाकुर, दूसरे पर निशांत ठाकुर, तीसरे स्थान पर गोपाल सिंह चंदेल जबकि दीपक सरीन चौथे स्थान पर रहे। बार शतरंज प्रतियोगिता के प्रधान गोपाल सिंह चंदेल ने 6 दिवसीय प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अधिवक्ताओं को तनाव मुक्ति और मानसिक शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से ये प्रतियोगिता पिछले 3 वर्षों से जिला न्यायालय परिसर में आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष जिला बार एसोसिएशन का ये प्रयास रहेगा कि इस प्रतियोगिता को जिला स्तर पर करवाया जाए ताकि पूरे जिला के अधिवक्ता इस प्रतियोगिता में भाग ले सकें। प्रतियोगिता हमने 31 दिसंबर से शुरू की थी, जिसमें 40 पार्टिसिपेंट प्लेयर ने हिस्सा लिया और जो है आज इसका जो है समापन हुआ तथा इसमें जो है फर्स्ट विनर जो है हमारे विक्रांत ठाकुर जी हैं और हमने इसका जो आगे जो है इसको और आगे स्तर पर स्टेट स्तर पर लाने के लिए प्रयास करेंगे तथा इसकी जो है रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे तथा चुनी मेले में जो है हम पार्टिसिपेट जो है और कोशिश करेंगे पूरे हिमाचल के एडवोकेट को इसमें जो है हम शामिल करेंगे। वहीं प्रतियोगिता में विजेता रहे युवा अधिवक्ता विक्रांत सिंह ठाकुर ने जिला बार एसोसिएशन का प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए आभार जताते हुए कहा कि अधिवक्ताओं को तनाव से मुक्त करने का ये सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता जिला स्तर पर भी होनी चाहिए। पहले तो मैं अपने धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा ये सराहनीय की और सबसे इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि और लोग भी इससे प्रोत्साहित हों, बच्चे जितने भी हैं क्योंकि इस गेम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है और दूसरा ये कि इस गेम को सब खेलें, मिलजुल के खेलें क्योंकि दिमागी गेम है। समारोह के समापन में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मानसिंह चंदेल द्वारा प्रतियोगिता में विभिन्न स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। जिला बार एसोसिएशन और शतरंज प्रतियोगिता के आयोजकों द्वारा जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित प्रतियोगिता को सफल बनाने वाले कई अधिवक्ताओं को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।